आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, खबरों की तहतक। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र पांडे शालू। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, खबरों की तहतक। तो आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चुनाव में अली जैदी चुने गए अध्यक्ष। प्रदेश सरकार द्वारा नामित सदस्य अली जैदी निर्विरोध चुने गए। चेयरमैन वसीम रिजवी और सैयद फैजी ने चुनाव से किया बहिष्कार। वसीम रिजवी ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि मुझे दफनाया नहीं बल्कि जलाया जाए और मेरा हिंदू धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार किया जाए, क्योंकि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर मेरी हत्या किए जाने की और मेरी गर्दन काटने की साजिश रची जा रही है। उस पर इनाम रखे जा रहे हैं कि मेरा गुनाह इतना है कि मैंने 26 आयतों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, जो इंसानियत के प्रति नफरत फैलाती है और मोहम्मद के चरित्र पर वो हिडन फैक्ट्स जो के छुपे हुए हैं उस पर आधारित एक किताब लिखी है जिसका नाम मोहम्मद है। अब मुसलमान मुझे मार देना चाहते हैं और यह ऐलान किया है कि मुझको किसी कब्रिस्तान में कोई जगह नहीं देंगे, तो मेरे मरने के बाद शांति बनी रहे, इसलिए मैंने एक वसीयतनामा लिखा है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी भेज दिया है कि मेरा जो शरीर है वो मेरे एक हिंदू दोस्त है उनको लखनऊ में दे दिया जाए और चिता बनाकर मेरा अंतिम संस्कार कर दिया जाए और चिता में अग्नि हमारे यति नरसिंहानंद सरस्वती जी देंगे। ये मैंने उनको अधिकृत किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रेसी नेता सलमान खुर्शीद के नैनीताल के रामगढ़ शीतला स्थित घर पर हिंदूवादी संगठनों ने तोड़फोड़ और आगजनी की और सलमान खुर्शीद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सलमान खुर्शीद की लिखी हुई किताब में हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन से किए जाने पर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। जगह जगह उनके इस बयान की निंदा हो रही है, तो वहीं हिंदूवादी संगठनों द्वारा आज दोपहर उनके आवास में तोड़फोड़ और आगजनी की घटना की गई। घटना की सूचना के बाद सीओ भवाली भूपेंद्र सिंह धोनी फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए और पूरी घटना की तफ्तीश की जा रही है। डीआईजी कुमाऊं नीलेश आनंद भरने ने फोन पर जानकारी देते हुए बताया कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी, जिन लोगों का इसमें हाथ होगा उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। न्यूज लाइव ब्यूरो रिपोर्ट। गोरखपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। समाजवादी विजय रथ यात्रा के दौरान जगदीशपुर ओवरब्रिज के पास नेताजी ने बांटी पर्ची, वीडियो हुआ वायरल। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के गोरखपुर कुशीनगर विजय यात्रा के दौरान सपा नेता द्वारा भीड़ इकट्ठा करने के लिए पर्ची बांटी गई, जिस पर्ची पर 500 की मोहर लगी हुई थी, यानी भीड़ जुटाने के लिए लोगों को प्रलोभन दिया गया। कार्यक्रम खत्म होने के बाद नेताजी द्वारा भीड़ को पर्ची बांटी जा रही थी, जिसका वीडियो वायरल हुआ। पर्ची के ऊपर दीपक अग्रवाल लिखा हुआ था और नीचे 500 रुपए की मोहर लगी थी। इस संबंध में दीपक अग्रवाल से बात की गई तो उन्होंने कहा कि यह विरोधियों की साजिश है, विरोधी हताश और परेशान हैं, जिसकी वजह से इस तरह की हरकत कर रहे हैं। मोदी और योगी के भी रैली में पर्ची बांटी जाती है, जिसका वीडियो स्वयं माननीय अखिलेश यादव ने भी ट्विटर पर लगाया है। न्यूज लाइव संवाददाता अमित शुक्ला की रिपोर्ट। नहीं, अंदर आओ, अंदर आओ।
भैया दिखाइएगा, भैया दिखाइएगा क्या है ये, क्या मिलेगा सुनिए, क्या है चाची, का भाई, का भाई इसे घुमाई, का मिली। अब समय हो चुका है एक ब्रेक का, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज लाइव खबरों की तह तक, और हाँ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट अपडेट के लिए आइकॉन बेल दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनूप सोनी। अगर आपके अंदर छुपा है एक बेहतरीन एक्टर, अगर आपके अंदर है एक्टिंग का शानदार हुनर, तो यूनिवर्सल स्टारडम एक्टिंग एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्टिंग टैलेंट हंट, जिसमें वो आपको मौका देंगे उनके साथ काम करने का, और वो भी मुंबई में। तो जल्दी से अपने ऑडिशन रजिस्टर करें इस पते पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं के कॉमर्स क्लासेस, लखनऊ ज्वेलर्स, विकल्प प्रॉपर्टी, वासुदेव इंटरप्राइजेज, श्री बालाजी होम्योपैथिक क्लिनिक। आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव, खबरों की तह तक।